विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर से अमेठी की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी लंबे अंतराल के बाद आगामी 18 दिसंबर को अमेठी दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। लखनऊ से सड़क मार्ग होते हुए जगदीशपुर विधानसभा पहुंचकर क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। उसके बाद जामो में 5 किलोमीटर तक पद यात्रा निकालेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उनका दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रस्तावित दौरे को लेकर यूपी प्रभारी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारियों द्वारा तैयारियां शुरू हो गई हैं। राहुल और प्रियंका कार्यकर्ताओं से मिलकर जीत की संजीवनी देंगे। अमेठी जिले से गांधी नेहरू परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। राहुल गांधी बचपन से ही अपने पिता राजीव गांधी और माँ सोनिया गांधी के साथ अमेठी आया करते थे। यहाँ तक की राजनीति की ABCD भी राहुल गांधी ने अमेठी में ही सीखी थी। 2002 में राहुल गांधी राजनीति में सक्रिय हुए। उस दौरान सोनिया गांधी अमेठी से सांसद थी। 2004 से लेकर 2019 तक राहुल गांधी अमेठी से सांसद रहे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त कर दिया था, जहां राहुल गांधी तकरीबन 55,152 वोटों से हारे थे। चुनाव हारने के एक सप्ताह बाद राहुल गांधी अमेठी आए थे। अब यूपी विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी को फिर से अमेठी वासियों की याद पुनः आई है। आगामी 18 दिसंबर को अमेठी का दो दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। प्रस्तावित दौरे को लेकर अमेठी की राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।